चैनपुर के छतरपुर गांव की बेटी दिव्यांग सुनता टोप्पो ने पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता भारत नेपाल में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीतने के बाद शनिवार को गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों और प्रखंड वासियों ने उनका जमकर स्वागत किया। गांव आने पर ग्रामीणों तथा क्षेत्र वासियों ने बेटी का जोरदार स्वागत ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं व आदिवासी पारंपरिक नृत्य से किया। मौके पर अनुमंडल दंडाधिकारी सुनील कुमार खाखा, वनचलाधिकारी गौतम कुमार ने सुनता टोप्पो को मनोबल बढ़ाते हुए बुके नगद राशि पुरस्कार देकर सम्मानित किया और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि चैनपुर के बेटी सुनता टोप्पो ने अपनी मेहनत और जुनून से जो सफलता हासिल की है वह काबिले तारीफ है। इन्होंने काफी संघर्ष करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।